रेडिएशंस बहुत नुकसान करते हैं, फिर भी लिए घूमते रहते हैं, कुछ तो रात को सोते समय भी सिरहाने और तकिए में लगा करके सोते हैं, वो कुछ कुछ देखते हुए सोते हैं, पता नहीं क्या बीमारी है, ये भी एक बीमारी है। मोबाइल, मोबाइल बहुत जरूरी होने पर ही यूज करो, तीन चीजों से बचो। एक तो मोबाइल के ये जो बहुत नेगेटिव रेडिएशंस हैं, इसके बहुत डेंजरस दुष्परिणाम है, कैंसर तक होता है। जो बहुत ज़्यादा कान को लगा लगा करके मोबाइल का प्रयोग करते हैं, पूरी दुनिया में करोड़ लाखों लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर्स बन रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स बन रहे हैं इससे रेडिएशंस, और इससे इनफर्टिलिटी हो रही है, इससे इससे और बहुत तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑटोमेन डिजीज हो रही है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सब में एक बड़ा कारण ये मोबाइल का रेडिएशन भी है, बहुत खतरनाक है। दूसरी कई प्रकार की नेगेटिविटी, इससे आपको बचना पड़ेगा। और प्रमाद तो महाशत्रु है, जब देखो तभी कुछ लोग बस करना कुछ ना पड़े, आलस्य में प्रमाद से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, हे भगवान, प्रमाद के महासागर, चलो जय कर। कुछ तो इतने प्रमादी हैं, मतलब सुबह उनके ऊपर 5 किलो पानी भी डाल दे तो वो भी गुदड़े में लपेट के सो जाओ ऐसे। वो हम गुरुकुल में थे तब एक सुनाया करते थे कहानी कि आग लग गई तो गुदड़ा लपेट के सो गया और ऊपर से फिर उसी में जल गया, बोले आग लग रही अपना गुदड़ा लपेट के सो गया, वहां भागने की भी कोशिश नहीं करते, इतने प्रमाद, ये नहीं होना चाहिए। Thank you.